सो हेलो गाइस, आज की वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लाया हूँ एक सस्ते में अल्ट्रा वॉच, मतलब T10 Ultra 2.09 इन्फिनिटी डिस्प्ले, जो कि 700 रुपये के अंदर है, मतलब 700 रुपीज़ अंडर में आपको देखने को मिल जाती है लोकल मार्केट के अंदर। इसके अंदर क्या फीचर्स है, क्या आपको आगे लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, मैं इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए गाइस, मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले बॉक्स खोल के दिखाता हूँ कि बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या एक्सेसरीज मिलती है। तो चलिए दोस्तों, बॉक्स खोल देते हैं पहले। हाँ, तो यहाँ पे बॉक्स का मैंने लीड हटा दिया ऊपर का। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले यूज़र मैनुअल देखने को मिलती है, जिसको कोई नहीं पढ़ता, इसे हटाओ। और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है एक सिलिकॉन स्ट्रैप, जिसे ओशियन सिलिकॉन स्ट्रैप्स कहते हैं, लेकिन ये भी फेक है, क्लोन है। और इसकी जो क्वालिटी है 700 से 1000 के बीच में बहुत बढ़िया है, अगर ज़्यादा होती तो नहीं। यहाँ पे आपको एक मैग्नेटिक चार्जर, मतलब कि वायरलेस चार्जर भी आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको निशान भी दिखने को मिल रहा है वायरलेसली का। और यहाँ पे आपको वॉच मिलती है, एक्चुअल डिवाइस जो है कैप्सूल है आपको देखने को मिलती है, बहुत अच्छी क्वालिटी की कैप्सूल है। मतलब जो बटन्स वगैरह है, जो क्राउन है, वो एकदम प्लास्टिक का है। और यहाँ पे जो बैक साइड में जो एक्चुअल में स्क्रूज है, यहाँ पे स्क्रूज आपको देखने को मिल रहे हैं, ना कि कोई स्टिकर या फिर कुछ। और यहाँ पे आपको लॉक मैकेनिज्म भी देखने को मिल, जब भी आप स्ट्रैप्स डालोगे ना तो हिलेंगे नहीं, जो अदर जो भी होती है लोकल मार्केट के अंदर चीप क्वालिटी की, उसके अंदर आपको स्ट्रैप्स निकल जाते हैं, ठीक है। और पीछे भी प्लास्टिक है, आगे भी प्लास्टिक ही आपको देखने को मिलेगा, जो कि स्क्रीन के ऊपर प्लास्टिक लगा हुआ है, ना के ग्लास, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक डेडिकेटेड एक्शन बटन और स्पीकर ग्रिल भी आपको देखने को मिलती है, जो कि स्पीकर वर्किंग नहीं है, सिर्फ स्पीकर ग्रिल आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे सेटअप कर दिया है मैंने वॉच को, तो यहाँ पे वॉच अभी ऑन है, यहाँ पे AOD भी स्टार्ट है। देखो, आपको भी मैं डिस्प्ले ऑन करके दिखाया है। ओके, तो यहाँ पे डिस्प्ले आपको देखने को मिल रही है, बहुत बढ़िया डिस्प्ले। यहाँ पे AOD भी वर्क कर रहे हैं, फंक्शनल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे IPS डिस्प्ले, उसके बावजूद भी आपको AOD देखने को मिलता है, इसके मतलब यहाँ पे आपको बैटरी बैकअप बहुत कम देखने को मिलेगा, बहुत एवरेज सा बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। यहाँ पे डिस्प्ले की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, मतलब 700 रुपये का इतना अच्छा डिस्प्ले, इतना अच्छा टच, आप देख रहे हो, टच की क्वालिटी ज़रा देखिए आप, बहुत बेहतरीन टच की क्वालिटी है। और यहाँ पे एक्शन बटन को जैसे मैं प्रेस करता हूँ, यहाँ पे सारे स्पोर्ट्स मोड एक्टिवेट हो जाते हैं, मतलब देखिए टच भी बहुत तेज़ है, आप दिख रहा होगा आपको। हाँ, तो यहाँ पे देखो, मैंने वापस दबाया, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 10 से 11 आपको स्पोर्ट्स मोड देखने को मिलते हैं, एवरेज है, ओके। और यहाँ पे एनिमेशन बहुत घटिया है, मतलब इस वॉच की। अब आपको मैं बताता हूँ इसके हार्ट रेट के बारे में। तो दोस्तों, इसका जो हार्ट रेट है ना, ये बॉक्स का भी हार्ट रेट निकालेगा, मैं आपको एक बार चेक करके दिखाता हूँ। नॉर्मल हर एक वॉच का अंदर आता है 74 हार्ट रेट, हर एक वॉच का आता है, तो इसका भी देखिए कितना आता है। यहाँ पे बॉक्स का भी हार्ट रेट निकलेगा, देखो 74 नॉर्मली आता है, यहाँ पे भी 74। ये सारी जितनी भी चाइना क्लोन वॉच होती है ना, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ लाइट लगाई गई होती है, ना के कोई सेंसर, ओके। तो अभी मैं आपको पहन के दिखाता, लेकिन मेरे हाथ पर लगा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे हाथ पर लगा हुआ है। यहाँ पे मैं बाइक ऊपर से गिर गया था, तो ये मैंने पहन के नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं दोस्त के हाथ में मैं ज़रूर पहन के आपको दिखा सकता हूँ। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलिएगा। तो तकलीफ, जय हिंद, वंदे मातरम।